दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के जंगल के सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेजोन के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेजोन का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की 20% नदी अमेजोन की नदी से जाकर मिलती है और बरसात के मौसम में यहाँ पर काफी ज्यादा अधिक पानी भर जाता है, जिससे कि नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का पता ही नहीं चल पाता है। ऐसा लगता है कि मानो कि हम किसी महासागर में आ चुके हैं जिनके किनारों का हमको बिल्कुल भी नहीं पता लग पाता है। हालांकि अगर पता लगाना चाहें तो हमें हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ेगी, हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगल में 17,000 से ज्यादा सिर्फ पेड़ पौधों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। यही नहीं, यहाँ पर 30,000 से ज्यादा सिर्फ कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अमेजोन की नदी में 5,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में सिर्फ 3,000 से ज्यादा मकड़ियों की ही प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेजोन के जंगल में रहने वाले कुछ खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा, प्लीज दोस्तों जरूर कर देना। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो कि बहुत ही छोटी होती है। यूं तो आपने बहुत सारी चींटियां देखी होंगी, लेकिन बुलेट एंट को कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये अमेजोन के जंगल में पाई जाती है और साइज में भी काफी छोटी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जितना छोटा इनका साइज है उससे कई ज्यादा खतरनाक इनका डंक है और इनका काटना किसी गोली लगने के बराबर होता है, इसलिए इन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। इनके काटने से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि इन चींटियों के काटने से बहुत तेज बुखार भी हो जाता है। अमेजोन के जंगलों में ये चींटियां बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर है पॉइजनस फ्रॉग, यानी कि जहरीले मेंढक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगल में 120 प्रकार के बहुत ही ज्यादा जहरीले प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं। सुनहरे रंग का ये मेंढक दिखने में जितना ज्यादा आकर्षित लगता है, उससे कई ज्यादा खतरनाक इनका जहर होता है, जिसमें 10 से भी ज्यादा लोगों को मार डालने की ताकत होती है। ये मेंढक और भी कई रंगों में देखने को मिलते हैं और खासकर बरसात के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय जनजाति लोग या यहाँ पर आने वाले पर्यटक इन मेंढकों को देखते ही इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर गलती से भी इन मेंढकों ने काट लिया तो तुरंत मौत का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा सांप को तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और फिर इंसान को सीधा ही निगल जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में अमेजोन के जंगलों में इतने बड़े एनाकोंडा नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 से 40 फीट होती है। वैसे तो ये सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक बाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये आपको जहर से ना मार पाए तो ये आपको सीधा निगल लेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे। इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि आखिर
सांप तो सांप ही होते हैं। ये सांप छोटे बड़े जानवर को बड़े आसानी से निगल जाते हैं और ऐसा करने के बाद ये सांप महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ज्यादातर ये सांप दलदल जैसे इलाके में या पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका तापमान 110 डिग्री तक है और इसका पानी कभी कभी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इस पानी से आप बिना गैस चूल्हे पर रखे एक कप चाय भी बना सकते हैं। जब यहाँ की जनजातियों के कुछ लोगों में किसी की मौत हो जाती है तो वह उसकी शरीर को जलाने के या गाड़ने के बजाय वह इस नदी के अंदर उसके शरीर को डाल देते हैं। कुछ जनजातियों के मुताबिक इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। पांचवे नंबर पर है जैगुआर यानी तेंदुआ। अमेजोन के जंगल में सबसे खूंखार जानवर तेंदुए को माना जाता है यानी जैगुआर। ये बेहद ही फुर्तीला और खूंखार होता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह इंसानों से काफी दूरी बनाकर रहता है और केवल जानवरों का ही शिकार करता है। छठे नंबर पर है ईगल यानी कि चील। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेजोन के जंगलों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक चील पाया जाता है। ये आकार में काफी बड़ा होता है और इसके पंखों की ही लंबाई सिर्फ 3 फीट से ज्यादा होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पंछी आकार में कितना बड़ा होगा। इस चील का वजन 5 से 6 किलो का है और खास बात यह है, ये अपने से दुगने वजन को अपने पंजों में दबाकर उड़ भी सकता है। इसलिए इसका पसंदीदा शिकार बंदर माना जाता है और ये बड़े बड़े जानवरों के बच्चों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस चील की ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। बुल शार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क तो समुन्द्र में रहने वाली मछली है, फिर इसका यहाँ क्या काम? तो मैं आपको बता दूं कि बुल शार्क बाकी शार्क की प्रजाति से सबसे भिन्न है। ये शार्क खारे और साफ पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। ये 11 फीट लंबी और तकरीबन 300 किलो वजन से ज्यादा हो सकता है। ये सिर्फ अमेजोन की ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क की सूची में शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये उन चुनिंदा शार्कों में से एक है जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है, जिसकी ट्रेनिंग इनको अपने माँ के पेट में रहते ही मिल जाती है। इनकी क्रूरता सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ये बुल शार्क अपने रास्ते में आने वाले हर जीव का शिकार करती है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो। इसलिए इन्हें डेयर डेविल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, एक लाइक तो कर दीजिए प्लीज। और दोस्तों, प्लीज जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।